ओके, इस सेशन में हम अब नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि है यूनिट नंबर 10। यूनिट क्या है? नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ पेशेंट विद पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, सेक्शुअल एंड ईटिंग डिसऑर्डर। तो इस यूनिट में हम पर्सनैलिटी डिसऑर्डर डील करेंगे, फिर ईटिंग डिसऑर्डर क्या क्या होते हैं वो डील करेंगे, और सेक्शुअल डिसऑर्डर क्या क्या होते हैं वो डील करेंगे। तो सबसे पहले हम पर्सनैलिटी डिसऑर्डर पे आते हैं। पर्सनैलिटी डिसऑर्डर का इंट्रोडक्शन सबसे पहले करते हैं। पर्सनैलिटी हैज़ बिन डिराइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड परसोना। इट मीन्स मास्क, दैट इज मास्क वॉर्न बाय द एक्टर टू चेंज देयर अपीयरेंस। ओके, पर्सनैलिटी का जो वर्ड डिराइव्ड हुआ है वो एक लैटिन वर्ड से डिराइव्ड हुआ है, और क्या वर्ड है वो? परसोना। परसोना का मतलब होता है मास्क, ठीक है। मतलब पर्सनैलिटी क्या होता है? पर्सनैलिटी एक वो एक मतलब मास्क है जो हम दूसरों को दिखा रहे हैं, एक कैरेक्टर है जो हम दूसरों को दिखा रहे हैं कि हम कैसे हैं या फिर कैसे नहीं हैं। यहाँ पे जो परसोना वर्ड है वो उसका मतलब होता है मास्क, और एग्जाम्पल में इन लोगों ने दिया हुआ है कि मास्क वॉर्न बाय द एक्टर टू चेंज देयर अपीयरेंस। जितने भी मूवीज़ में एक्टर्स होते हैं वो अपना पर्सनैलिटी शो नहीं करते हैं मूवीज़ में, वो अलग अलग पर्सनैलिटी शो करते हैं और अलग अलग अपीयरेंसेस दिखाते हैं। ऐसा ही, ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ एक्टर्स ही करते हैं, ऐसा ही डेली रूटीन पे भी बहुत सारे लोग अपनी पर्सनैलिटी से हट के कुछ और पर्सनैलिटीज़ दिखाना शुरू कर देते हैं। वो क्या होता है? वो नॉर्मल अपीयरेंस होता है, ठीक है। मतलब आप कैसा दिखते हो, किसी के साथ कैसा बिहेव करते हो, वो सारा अपने आपके पर्सनैलिटी के अंदर आता है। ओके, नेक्स्ट हम डेफिनेशन डील करते हैं। पर्सनैलिटी डिसऑर्डर होता क्या है? पर्सनैलिटी डिसऑर्डर जो है, पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स आर लॉन्ग टर्म पैटर्न ऑफ बिहेवियर एंड इनर एक्सपीरियंसेस दैट डिफर सिग्निफिकेंटली फ्रॉम व्हाट इज़ एक्सपेक्टेड। क्या एक्सपेक्ट करते हैं किसी से और इन रिटर्न हमें क्या मिलता है, वो जो एक डिफरेंस हो जाता है वो पर्सनैलिटी डिसऑर्डर में हमें देखने को मिलता है। लॉन्ग टर्म पैटर्न ऑफ बिहेवियर है ये। पर्सनैलिटी डिसऑर्डर क्या है? वो एक लॉन्ग टर्म पैटर्न ऑफ बिहेवियर है, जिसमें क्या होता है, मतलब जो आप एक्सपीरियंस कर रहे हो या फिर जो हमसे एक्सपेक्ट किया जाता है हम वो नहीं शो कर पाते हैं, ठीक है। या फिर इसका दूसरा डेफिनेशन आप देख सकते हैं, व्हेन पर्सनैलिटी ट्रेट्स आर इनफ्लेक्सिबल, मैल अडेप्टिव एंड कैन कॉज ईदर सिग्निफिकेंट फंक्शनल इम्पेयरमेंट और सब्जेक्टिव डिस्ट्रेस। पर्सनैलिटी डिसऑर्डर में क्या होता है? जो भी पर्सनैलिटी ट्रेट्स हैं वो क्या हो जाते हैं? इनफ्लेक्सिबल हो जाते हैं, मतलब एडजस्ट नहीं कर पाते हैं। पर्सनैलिटी जैसी है वो थोड़ा डिफर करने लग जाती है कि आप पहले कैसे थे और पहले अब कैसे हो गए हो, वो जो है वो नेगेटिव चीज़ में कन्वर्ट होता जाता है, फ्लेक्सिबल नहीं रहता है, माल अडेप्टिव हो जाते हैं, किसी चीज़ को अडेप्ट नहीं कर पाते हैं। और उसके बाद क्या हो जाता है, कुछ फंक्शनल इम्पेयरमेंट शुरू हो जाते हैं। मतलब या तो कोई फंक्शनल इम्पेयरमेंट शुरू हो जा रहा है उस पर्सनैलिटी, जो चेंज आया है पर्सनैलिटी में उसकी वजह से आप का जो कुछ फंक्शन है वो आप प्रॉपर तरीके से नहीं कर पा रहे हैं, ऑल्ट्रेशन आया है उसमें। या फिर डिस्ट्रेस, मतलब किसी भी चीज़ में आपको पॉजिटिव चीज़ कुछ नहीं दिख रही है, हमेशा डिस्ट्रेस, सब्जेक्टिव डिस्ट्रेस होना शुरू हो रहा है। तो ये होता है पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। और इसके बाद हम पर्सनैलिटी डिसऑर्डर का क्लासिफिकेशन करते हैं कि पर्सनैलिटी डिसऑर्डर जो है वो किन चीज़ों में क्लासिफाइड है। ओके, तो यहाँ क्लासिफिकेशन है। क्लासिफिकेशन में सबसे पहले आता है क्लस्टर ए, क्लस्टर बी, क्लस्टर सी। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है पर्सनैलिटी डिसऑर्डर का क्लासिफिकेशन, तो इसको बहुत अच्छे से एक बार आप देखना। क्लासिफिकेशन में मेन क्या है? क्लस्टर ए, क्लस्टर बी एंड क्लस्टर सी। ओके, क्लस्टर ए जो है वो फर्दर दो डिसऑर्डर्स में डिवाइडेड है। सबसे पहले है पैरानॉइड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, पैरानॉइड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर और स्किज़ोइड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। इसमें क्या होता है, पैरानॉइड में क्या है, किसी भी चीज़ पे किसी पे भी ट्रस्ट नहीं करते हैं, इसका है मिसट्रस्टफुल। किसी पे भी ट्रस्ट नहीं करते, मतलब
उनको ऐसा लगता है कि सब मेरे अगेंस्ट है, सब मेरे अगेंस्ट कुछ प्लानिंग और प्लॉटिंग कर रहे हैं, सब मेरे बारे में चुगली कर रहे हैं या फिर मेरे बारे में कुछ कॉन्स्पिरेसी चल रही है. उनको ऐसा लगना शुरू हो जाता है कि मतलब मुझसे सब बहुत ज़्यादा जलते हैं, बहुत जेलसी है सभी के अंदर और पॉजिटिव कुछ भी फील नहीं करता है. हर एक पर्सन के लिए नेगेटिव ही फील करता है पैरानॉइड में. स्किज़ोइड में क्या होता है, उनको किसी भी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं होता. स्किज़ोइड में लैक ऑफ इंटरेस्ट, स्किज़ोइड में क्या होता है, लैक ऑफ इंटरेस्ट रहता है. किसी भी चीज़ में उनको इंटरेस्ट नहीं आता है. कोई भी चीज़ चल रही हो, कोई भी बात चल रही हो या फिर कुछ भी चल रहा हो, उनको कोई इंटरेस्ट नहीं होता उस चीज़ों में. तो ये आते हैं, ये दो डिसऑर्डर्स जो हैं वो क्लस्टर ए के अंदर आते हैं. अब क्लस्टर बी की बात करते हैं. तो क्लस्टर बी में चार डिसऑर्डर्स हैं. सबसे पहले हैं एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर. एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर हमने बहुत बार जब भी हम कोई भी डिसऑर्डर डील करते हैं तो उसमें हमने ये डील किया है कि एंटी सोशल का मतलब हो जाता है सोसाइटी के अगेंस्ट. मतलब कोई भी चीज़ सोसाइटी में अगर कोई भी चीज़ हो रही है तो उसको सपोर्ट नहीं करना या फिर एंटी सोशल मतलब बहुत वियर्ड बिहेव करना, विड्रॉल हो जाना, सोसाइटी से विड्रॉ कर लेना, अकेले ज़्यादा रहना, वो सारी चीज़ें आती हैं एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर में. नेक्स्ट इज़ नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर. नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर में क्या होता है, ये बहुत ज़्यादा सेल्फ सेंटर्ड होते हैं. इसको हम बोल सकते हैं सेल्फ सेंटर्ड. बहुत ही ज़्यादा सेल्फ सेंटर्ड होते हैं. मतलब उनको ऐसा लगता है कि जो हूँ मैं ही हूँ, मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं बहुत हैंडसम हूँ या मैं बहुत स्मार्ट हूँ, मैं बहुत ब्यूटीफुल हूँ, मैं बहुत टैलेंटेड हूँ, जो हूँ मैं ही हूँ, मेरे से ज़्यादा अच्छा कोई भी नहीं है. उनको बहुत ज़्यादा ऐसा लगता है कि हर एक चीज़ मतलब दुनिया जो है उन्हीं के आसपास घूम रही है, वही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उनसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कोई भी नहीं है. नेक्स्ट इज़ हिस्ट्रियोनिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर. हिस्ट्रियोनिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर में क्या होता है, अटेंशन सीकिंग होते हैं बहुत ज़्यादा. ये अटेंशन सीकिंग डिसऑर्डर भी बोल सकते हैं हम इसको. बहुत ज़्यादा अटेंशन ग्रैब करने की कोशिश करते हैं, सेंटर ऑफ फोकस बनने की कोशिश करते हैं. कोई भी अगर कहीं भी भीड़ है या फिर कहीं भी कुछ भी चल रहा है तो वो कोशिश करते हैं कि सभी की नज़रें उन पर रहे. बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव एक्टिविटी करना शुरू हो जाते हैं, हंसना बहुत ज़्यादा शुरू हो जाते हैं ताकि उनको ऐसा लगता रहे कि जितने लोग भी हैं वो सब मुझे फोकस कर रहे हैं, सेंटर ऑफ फोकस मैं हूँ. और मतलब बहुत ज़्यादा अटेंशन ग्रैब करने के लिए वो किसी भी लिमिट तक जा सकते हैं. तो वो होता है हिस्ट्रियोनिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर. नेक्स्ट इज़ बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर. बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर यहाँ पे हम इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि वो अनस्टेबल होता है. जो भी इंडिविजुअल है वो बहुत अनस्टेबल होगा. उसका कुछ आप कोई भी पर्सनैलिटी आप बता नहीं सकते कि वो हिस्ट्रियोनिक है, नार्सिसिस्टिक है, एंटी सोशल है, पैरानॉइड है, स्किज़ोइड है या फिर अवॉइडेंट है, डिपेंडेंट है, कुछ भी नहीं. मतलब आप कुछ बता ही नहीं सकते, वो बहुत ज़्यादा अनस्टेबल हो जाता है. इसलिए हम इसको बोलते हैं बॉर्डर लाइन. मतलब बॉर्डर लाइन, ना इधर ना उधर, बॉर्डर लाइन पे. तो उसको हम क्या बोलते हैं, बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर को हम बोलते हैं अनस्टेबल. जो भी इंडिविजुअल है वो बहुत ज़्यादा अनस्टेबल रहता है. ओके, नेक्स्ट है क्लस्टर सी. क्लस्टर सी में सबसे पहले आता है डिपेंडेंट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर. डिपेंडेंट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर में क्या होता है, एक जो भी इंडिविजुअल है वो किसी भी पर्सन पे या किसी भी चीज़ पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट रहता है. उसको ऐसा लगता है कि अगर ये पर्टिकुलर मतलब चीज़ नहीं होगा या फिर ये पर्टिकुलर इंसान नहीं होगा तो मैं अकेले नहीं रह पाऊँगा. उनको मतलब बहुत ज़्यादा एक फियर होता है कि वो अकेले नहीं रह सकते हैं. हर एक चीज़ के लिए किसी ना किसी पे डिपेंडेंट ही होंगे. अपना खुद का काम भी वो खुद नहीं कर पाते हैं. तो डिपेंडेंट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर में वो दूसरों पे डिपेंडेंट रहते हैं, अकेले रहने की कोशिश भी नहीं करते क्योंकि अकेले रहने से उन्हें डर लगता है. अवॉइडेंट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर. अवॉइडेंट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर में क्या होता है, बहुत ज़्यादा अवॉइडिंग नेचर होता है. हर चीज़ को इग्नोर करना, हर चीज़ को अवॉइड करना, ये सारी चीज़ें उनमें होती हैं अवॉइडेंट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर में. एंड लास्ट इज़ OCPD, ऑब्सेसिव कंपल्सिव पर्सनैलिटी डिसऑर्डर. इससे पहले हमने जो OCD किया था और OCPD जो किया था किया है करेंगे, ये दोनों
सिमिलर है, पूरा का पूरा सिमिलर है. वहाँ पे क्या हो रहा है, वहाँ पे न्यूरोटिक मतलब न्यूरॉन्स की वजह से ओसीडी होने के चांसेस रहते हैं. और यहाँ पे क्या है, ओसीडी जो है वो एक पर्सनालिटी डिसऑर्डर ही बन चुका है. मतलब किसी इंडिविजुअल की पर्सनालिटी ही ऐसी है कि वो हर एक चीज़ को रिपीटेटिव मोड पे मतलब हर एक काम रिपीटेटिव मोड पे करता है. तो यहाँ तक ये क्लासिफिकेशन है पर्सनालिटी डिसऑर्डर का. ओके, तो पर्सनालिटी डिसऑर्डर के बाद जस्ट मैं क्लासिफिकेशन आपको बता देती हूँ कि हमें ईटिंग डिसऑर्डर में, स्लीपिंग डिसऑर्डर में, सेक्सुअल डिसऑर्डर में क्या क्या पढ़ना है. तो नेक्स्ट है हमारा ईटिंग डिसऑर्डर. ओके, ईटिंग डिसऑर्डर में दो डिसऑर्डर्स हैं. फर्स्ट इज बुलिमिया नर्वोसा एंड सेकेंड इज एनोरेक्सिया नर्वोसा. ओके, आप लोगों ने ये पहले टर्मिनोलॉजीज में मैंने आपको बताया, बुलिमिया नर्वोसा मतलब बहुत ज़्यादा एक्सेसिव खाना खाना शुरू कर देते हैं, और एनोरेक्सिया में नर्वोसा में इतना ज़्यादा कॉन्शियस हो जाता है कि खाना ही नहीं खाते, बिल्कुल भी खाना, बिल्कुल डाइट उनका नहीं होता है. ये था ईटिंग डिसऑर्डर. एंड नेक्स्ट है स्लीपिंग डिसऑर्डर. स्लीपिंग डिसऑर्डर, स्लीपिंग डिसऑर्डर में भी यहाँ पे कुछ मेन दो टाइप के हैं, जो कि है इंसोम्निया और हाइपरसोम्निया. ओके, तो इंसोम्निया का मतलब कि जो स्लीपिंग पैटर्न है वो पूरा ऑल्टर्ड हो जाता है, बिल्कुल ढंग से सो नहीं पाते हैं, नींद नहीं आ पाती है इंसोम्निया में. और हाइपरसोम्निया में क्या होता है, बहुत ज़्यादा सोते हैं, एक्सेसिव अमाउंट में सोते रहते हैं, बहुत ज़्यादा दिन भर सोना होता है उनका. तो इंसोम्निया और हाइपरसोम्निया ये स्लीपिंग डिसऑर्डर में आता है. नेक्स्ट हम सेक्सुअल डिसऑर्डर के बारे में बात करेंगे. सेक्सुअल डिसऑर्डर में सेक्सुअल रिलेशनशिप से जितना भी मतलब सेक्सुअल इंटरकोर्स से रिलेटेड जितना भी डिसऑर्डर आता है वो सब इसमें आता है. कुछ 9 या 10 टाइप्स के डिसऑर्डर्स हैं सेक्सुअल डिसऑर्डर में. उनमें से कुछ हैं जैसे पीडोफीलिया हो गया, जूफीलिया हो गया, इम्पोर्टेंस हो गया, और इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो गया. तो कुछ इस टाइप के हम क्लासिफिकेशंस मतलब इस टाइप के जो डिसऑर्डर्स हैं सेक्सुअल डिसऑर्डर्स, वो हम आगे जाके डील करेंगे. तो ये जस्ट ओवरव्यू था कि इस यूनिट में हम क्या क्या पढ़ेंगे. आज हमने डेफिनेशन कर लिया पर्सनालिटी का, इंट्रोडक्शन और डेफिनेशन किया, पर्सनालिटी डिसऑर्डर का क्लासिफिकेशन कर लिया, ईटिंग डिसऑर्डर का क्लासिफिकेशन किया, स्लीपिंग डिसऑर्डर का क्लासिफिकेशन किया, और सेक्सुअल डिसऑर्डर का कुछ क्लासिफिकेशन मैंने जस्ट आपको इंट्रोडक्शन करा दिया. आई होप आपको आज की ये सेशन समझ में आया हो. अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं. थैंक यू.